हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों से बात करने जा रही हूँ अपराजिता प्लांट के बारे में, इसकी कंप्लीट केयर के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो इसकी केयर के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि इसकी केयर कैसे करनी है तो आप प्लांट को भी नहीं केयर कर पाओगे और प्लांट हमारा मर जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात करती हूँ अपराजिता प्लांट के बारे में, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत होता है, जो जिसको लगाने से घर में भी पॉजिटिव एनर्जी होती है और काफ़ी शुभ माना जाता है घर के लिए। तो आप लोग अगर नहीं लगा है तो आप लोग इसको जो है नर्सरी से लाके लगा सकते हो, और ये बहुत महंगा नहीं मिलता है नर्सरी में, 50 रुपीज़ तक मिल जाता है। और ये प्लांट मेरा कम से कम 2 या 3 साल पुराना हो चुका है। फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और अभी कुछ ही दिनों पहले इसमें फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मैं वीडियो को नहीं बना पाई, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसकी कंप्लीट केयर कैसे करनी है। दोस्तों, ये एक बेल होती है, इसको ज़मीन में लगाएंगे ये प्लांट तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर जाता है। और अभी मैंने इसको जो है गमले में ही शिफ्ट कर रखा है, जब मुझे ज़रूरत फील होगी तो मैं इसमें एक सपोर्ट भी दे दूंगी ताकि ये जो है अच्छी और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सके। इसको लगाना भी बड़ा शुभ माना जाता है दोस्तों। तो आप लोग अगर प्लांट को लगाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मिट्टी तैयार करना है। तो मिट्टी आपको वल्ड्रेन बनानी है, बहुत ज़्यादा वल्ड्रेन बनानी है। मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, इसकी मिट्टी में बालू मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकेगा तो ये प्लांट ना ही तो फ्लावरिंग करेगा और इसकी जो पत्तियां हैं सारी वो भी पीली होकर गिर जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मिट्टी बनाते समय आपको क्या करना है, 2 भाग बालू मिट्टी लेना है, 1 भाग अपने गार्डन की सॉइल लेना है और उसमें गोबर की खाद लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और राइस खस अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं ताकि इसको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल सके। और आपको लेना है बालू मिट्टी 2 भाग बालू मिट्टी लेके इस मिट्टी को आपको तैयार करना है और उसी में लगाना है। मिट्टी वल्ड्रेन होता है दोस्तों तो प्लांट हमारा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती हैं नीचे गमले में वो भी काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो इसलिए मिट्टी को हमेशा सभी प्लांटों के लिए मैं कहती हूँ, मतलब जो है वल्ड्रेन बनाया करिए। और ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा सभी प्लांटों में काम आती हैं। आप मेरा प्लांट देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छी, और इस बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और प्लांट को हमेशा क्लीन रखा करिए, इसकी साफ़ सफाई, जो भी टहनी सूखी हैं या पत्तियाँ पीली हैं वो भी हटाते रहा करिए, ताकि ये प्लांट देखने में भी अच्छा लगे, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सके। तो ये मिट्टी की बात हो गई, मिट्टी को वल्ड्रेन बनाना है। गमला कैसा लेना आपको, गमला हो सके तो थोड़ा सा बड़ा ही प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि जो है ये ज़मीन में लगाने वाला प्लांट होता है और हम लोग इसको गमले में लगा देते हैं, तो अगर गमला बड़ा होगा तो इसकी जो रूट्स है काफ़ी हेल्दी होंगी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगी। जब रूट्स हेल्दी होती प्लांट की तो प्लांट ऊपर से भी देखने में काफ़ी हेल्दी लगता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले प्लांट आप लाते हो नर्सरी से, छोटा प्लांट है तो उसको छोटे गमले में आप लगा सकते हो, नहीं तो मैं कहूँगी कि आप बड़े गमले में ही सीधे जो है लगाइए। इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, मेरा प्लांट कम से कम 16 इंच के गमले में लगा हुआ है और मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दिया था, और तब भी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी अच्छी हो रही है। तो ये बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला प्लांट होता है, और इसमें जो है गमला जो मैंने बताया आपको बड़ा ही प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि ये ज़मीन पे लगता है तो काफ़ी हैवी होता है, तो आप इसलिए बड़ा गमला लीजिए और मिट्टी का ही गमला लीजिए। मिट्टी का गमला लेंगे तो उसमें रूट्स थोड़ा सा ठंडी रहती हैं ज़्यादा गर्मी पड़ने पे, और ग्रोथ भी अच्छी करता है। आप लोग देख सकते हो मेरा जो प्लांट है वो, उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितना घना है। तो मैं आगे बताऊँगी कि ऐसा प्लांट कैसे हो सकता है। तो आप मिट्टी का गमला लीजिए 16 इंच का, और उसमें लगा दीजिए इसको। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है, पानी अगर देंगे ओवर वाटरिंग होगी तो इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिर जाएंगी और कलियाँ भी नहीं बनेंगी, जो फ्लावरिंग होती है वो भी नहीं बनेंगी। तो इसीलिए पानी आपको, मिट्टी जब इसकी ड्राई हो जाए
तब आपको देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मानसून का टाइम चल रहा है, तो गमले की मिट्टी सूखती ही नहीं है, सूखने के पहले ही पानी बरसने लगता है। और बारिश का पानी इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इनको जो है नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से इसको पानी भी दे सकते हो, दूसरे तीसरे दिन पानी डालिए, एक दिन छोड़ के एक दिन। अगर मानसून का टाइम चल रहा है तो आपको पानी नहीं देना है, तो पानी कुल मिला के कम मात्रा में देना है, रोज़ पानी नहीं देना, भर के पानी आप एक बार दे दीजिए और दो दिन पानी इसमें मत डालिए। ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा रूट्स भी ख़राब होती हैं, पत्तियाँ भी सारी प्लांट की झड़ जाती हैं और कलियाँ भी नहीं बनती हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और सनलाइट की बात करूँ तो सनलाइट इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट इसको डेली प्रोवाइड होना चाहिए, ऐसी जगह रखिए। अगर आपका प्लांट शेडी एरिया में रखा है तो आप लोग उसको हल्का सा सनलाइट में रख दीजिए, ताकि उसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो सके। ग्रोथ जब अच्छी होती तो प्लांट देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको सनलाइट देना है, हालांकि फुल सनलाइट जो बहुत ज़्यादा जलने वाली सनलाइट होती है उसमें मत रखिएगा, क्योंकि उसमें रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बर्न हो जाएंगी और फिर पत्तियां भी गिरने लगती हैं ज़्यादा धूप में रखने से। पहले क्या करना है आपको, ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ 6 से 7 घंटे की सनलाइट इसको मॉर्निंग की मिल जाए, उसके बाद ये शेडी एरिया में आ जाए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसको घना कैसे बना सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप प्लांट जब गमले में लगाते हो, अगर आपका प्लांट छोटा है तब तो प्रूनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रूनिंग दो प्रकार की होती है दोस्तों, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। तो सॉफ्ट प्रूनिंग में मैंने बताया है आपको छोटी छोटी सी ऊपर की हल्का हल्का सा छटनी करना है, कटाई छटाई करना है। और अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है और आप उसे छोटा करना चाहते हो तो आपको जो है थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग करना है, उसको नीचे से काटना है। तो प्रूनिंग करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमेशा आप सॉफ्ट प्रूनिंग किया करिए। सॉफ्ट प्रूनिंग से क्या होता है, प्लांट देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और प्लांट घना भी लगता है। जब हम सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तब भी हमारा प्लांट घना बनता है, और जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो थोड़ा बनता है घना, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनने में। सॉफ्ट प्रूनिंग में क्या है कि आप ऊपर से कटाई छटाई कर देते हो और ये फटाफट अपनी ग्रोथ करने लगता है, मतलब कुछ ही दिनों में देखेंगे उसमें नई नई टहनियाँ बनने लगती हैं। हार्ड प्रूनिंग में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है मतलब ग्रोथ करने में, उसमें टाइम लगता है। मेरा ये प्लांट आप देख सकते हो, इसकी प्रूनिंग मैंने अभी बारिश के पहले किया था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मतलब एक टहनी आप वहाँ से प्रूनिंग करोगे और दूसरी टहनी वहाँ से निकाल देता है, मतलब एक टहनी काटने से दो टहनियाँ निकलती हैं। इस तरह से प्लांट को घना बनाया जा सकता है। और कटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जब बारिश होने वाली हो उसके पहले आप कटिंग काट दीजिए इसकी, और या फिर उधर जो है जब इसकी ग्रोथ का टाइम होता है, जब समर सीज़न होता है, जब गर्मी शुरू होती है, तो ये समर सीजन का ही प्लांट होता है। तो समर सीज़न जैसे शुरू होता है वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, खूब अच्छे से खाद देनी है और खूब अच्छे से इसकी प्रूनिंग कर देना है। जब इसका ग्रोथ का टाइम होता है तब ये देखा होगा, तब ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो आपको उस समय इसकी कटिंग करनी है जब इसकी ग्रोथ का टाइम चलता है। बीच में अगर कटिंग कर भी देते हैं तो करना है आपको तो बारिश के पहले कर दीजिए, ये समय होता है इसकी प्रूनिंग का, तो ये प्लांट हमारा अच्छी ग्रोथ करता है। अब बात करती हूँ कि इसको ग्रो कैसे किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग से और बीज से दोनों तरीके से तैयार हो जाता है। इसमें जो फूल खिलते हैं और फूल जब सूख जाते हैं तब फलियां बनती हैं छोटी छोटी, जैसे मटर की फलियां होती हैं वैसे ही बनती हैं, और उसी के अंदर बीज होता है, तो बीज से भी ये ग्रो किया जा सकता है। और इसमें जो है इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है, इसकी चाहे जितनी पतली कटिंग लगा दीजिए वो भी चल जाएगी और चाहे जितनी मोटी लगा दीजिए वो भी चल जाएगी। हालांकि अभी तक मैंने इसको कटिंग से कभी तैयार नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये मुझे मालूम है, और मैं आगे वीडियो में आप लोगों को इसका वीडियो अलग से बनाऊंगी कटिंग का, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कटिंग से ये कितनी आसानी से तैयार होता है। तो ये कटिंग जैसे 5 इंच 6 इंच की आप कटिंग ले लीजिए, उसमें 2 कटिंग बनाइए, 2 से 4 कटिंग आप कैसे भी लगा सकते हैं। कटिंग जब भी लगाइए उसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी कम डालिए, आप लोग शेडी एरिया में रखिए। हमने अभी तक इसकी कटिंग लगाई तो नहीं है, लेकिन स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे लगानी, क्योंकि मुझे भी ये सिंगल प्लांट है मेरा और मुझे भी 2 प्लांट इसके बनाने हैं।
तो आप लोग देख सकते हो, जैसे ये टहनी है, इस टहनी को आप इतनी मोटी टहनी आप काट लीजिए कम से कम 2.5 से 3 इंच की, या इतनी छोटी भी काटोगे तब भी ये बहुत आसानी से लग जाएगी, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। तो आप लोग जो है इस तरह से इसको तैयार कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब बीज इसके तैयार होते हैं उससे भी तैयार हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका होता है कटिंग काटने का, इतनी मोटी डंडी काटिए आप लोग और लगा दीजिए। मिट्टी वाल्ड्रेन बनानी है आपको, तो कटिंग से इस तरह से प्लांट तैयार हो सकता है। ये एक प्लांट से 2 प्लांट इस तरह से आप लोग बना सकते हो। अब इसमें बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र कैसे देना है। तो सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से तो कि आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए हर 15 दिन पे, जो बनाना पील्स होता है, जो प्याज के जो छिकले होते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाना बताया है आपको किचन वेस्ट का, वो सबसे बेस्ट होता है। किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों, जो मैंने बनाना बताया है, आप हर 15 दिन पे इसको देंगे, हर 15 या 20 दिन का गैप कर लीजिए वो आप इसको देंगे तो ये बहुत अच्छा प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी जो इसमें कलियां भी बनेंगी। और अब बात करती हूँ ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें देना है। तो ज़्यादा अगर आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं और प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है तब भी फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आप इसको सबसे अच्छी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र में, तो मैंने बताया आपको किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग नहीं खिलता है प्लांट में तब भी दिया जाता है और आप वो सबसे ऑर्गेनिक होता है, इसलिए मैंने बताया। अगर आपको तब भी उससे भी कुछ नहीं भला हो रहा है इसका, तब आप जो है केमिकल वाली थोड़ी खाद दे दीजिए। उसमें देना क्या है आपको, 1 चम्मच आप बोनमील ले लीजिए, 1 चम्मच पोटास ले लीजिए, 1 चम्मच आपको फंगीसाइड लेना है और 1 चम्मच आपको DAP लेना है। ये 4 चीज़ें आप 1-1 चम्मच ले लीजिए, जैसे मतलब आपका गमला हो, मैंने तो अपने गमले के हिसाब से बताया है, लेकिन आपका गमला जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से इसमें जो है खाद डाल सकते हो। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ तक हो सके तो ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि प्लांट है, किसी को नहीं पता होता है केमिकल वाली खाद हमें कैसे देनी है, कितनी देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी अंदाज़ा नहीं हो पाता है लोगों को, जो नए गार्डनिंग दोस्त हमारे हैं उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे अच्छा आसान तरीका यही होता है कि आप जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में दोस्तों क्या होता है, प्याज के जो छिक्कल होते हैं जो हम लोग काटते हैं वो रख लीजिए, और केले के जो छिक्कल आते हैं वो ले लीजिए और उसको थोड़ा सा डिब्बे में पानी भर के उसको कुछ 1-2 दिन के लिए रख दीजिए शेडी एरिया में, और उसको उस जैसे 1 बाल्टी पानी में उसको पूरा मिला लीजिए। डिब्बा जो है कम से कम 1 या 1.5 लीटर का होता है, तो आपका एक बार में इतना तैयार हो जाएगा। आप क्या करिए, 1 बाल्टी पानी में उसको पूरा मिला दीजिए, पूरा मिलाने के बाद आप जो है जितने गमले फ्लावरिंग वाले हैं उसको दे सकते हो। ये फर्टिलाइज़र सबसे ऑर्गेनिक होता है, सबसे अच्छा होता है। और अगर केमिकल वाली देना है तो वो मैंने जो बताया आप वो दे सकते हो, उससे भी फ्लावरिंग होगी और इससे भी फ्लावरिंग होगी। मैंने तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पेड़ों पे ट्राई किया है और हमेशा मैंने देखा है जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं जरा थोड़ा सा जैसे लेट करते हैं, फूल फ्लावरिंग नहीं खिलते, तो मैं किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो मैं बना के देती हूँ हर 15 दिन पे, 15-20 दिन का गैप करके किसी भी टाइम आप दे सकते हो, वो बहुत ही बेस्ट होता है और बहुत ऑर्गेनिक होता है। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो दोस्तों। जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया दोस्तों, ये घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, आपको बाज़ार से लाना नहीं पड़ता है। केमिकल वाली खाद थोड़ा महंगी मिलती है, वो लेने में शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया वो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में पूरा देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो कैसे बनाना है। तो ये थी कंप्लीट केयर अपराजिता प्लांट के बारे में। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ और उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से मिल जाया करे, ताकि आप लोग उसको देख सको। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। तो ओके फ्रेंड, बाय।